もうコミタイムパス。सभी जीवित प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। कहते हुए बुरा जरूर लगता है, लेकिन ऑल लिविंग थिंग्स आर बोर्न टू डाई। नहीं, ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई, एस्पेशली वो इमॉर्टल जेलीफिश, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक मिनट, क्या कहा तुमने? इमॉर्टल जेलीफिश? इमॉर्टल? हाँ, ट्यूरोटॉप्सिस डॉर्नियाई, जिन्हें इमॉर्टल जेलीफिश के रूप में जाना जाता है, अर्थ पे पाए जाने वाले अकेले इमॉर्टल क्रिएचर्स हैं। क्या वो सच में इमॉर्टल होते हैं? मतलब क्या उनकी कभी भी डेथ नहीं होती? मेडिटेरियन सी में पाए जाने वाले 4.5 मिलीमीटर के ये छोटे से लिविंग क्रिएचर्स सच में इमॉर्टल हैं। उनकी कभी डेथ नहीं होती, अनलेस ऑफ कोर्स कोई प्रीडेटर उन पे झड़प नहीं लेता। पर उनकी नेचुरल डेथ कभी ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? इमॉर्टल जेलीफिश इमॉर्टल है उनकी मैच्योरिटी होने की एबिलिटी की वजह से। एक एडल्ट इमॉर्टल जेलीफिश रिप्रोडक्शन के बाद फिर से उनके ज्वेलाइन पल्प स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक प्रोसेस के जरिए, जिसे ट्रांस डिफरेंशिएशन कहा जाता है। हाँ, मतलब बेसिकली बाकी के लिविंग क्रिएचर्स की तरह एक नेचुरल डेथ से मरने की जगह ये जेलीफिश फिर से उनके सेक्सुअली इमैच्योर स्टेज पे वापस चले जाते हैं और उनकी पूरी लाइफ साइकिल फिर से रिपीट करते बार बार। ओह, आई सी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। काश हम भी इस जेलीफिश के जैसे इमॉर्टल होते। हा हा हा।